हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस ब्लॉग पे मैं अभी हूँ कार पे, जैसा कि देख सकते हो चला रहा हूँ, और जा रहा हूँ गाइस धनबाद, क्योंकि दोस्तों मुझे जाना है, थोड़ा काम है वहाँ पे धनबाद पे। सबसे पहला काम ये है कि TVS का शोरूम जाना है, क्योंकि पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि मैंने अपना अपाची को भी सर्विस में दिया था जब मैंने कार लाने गया था वहाँ पे, तो अभी वो सर्विस पे ही दिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि एक दिन लगेगा, तो वो पूरा बन के रेडी हो गया है। तो अभी सीनू जो है कैमरा पकड़ के उसी को लेके जा रहा हूँ, वो लेके आ जाएगा बाइक और मैं कार लेकर के घर आ जाऊँगा। और मेरे साथ आज है ज्योति पीछे, तो ज्योति के साथ मैं जा रहा हूँ धनबाद। वजह ये है, रीजन ये है कि गाइज इसको लेना है अभी एक आईफोन, ठीक है। धनबाद बैंक मोड में एप्पल का स्टोर है iTech बोल के, तो वहाँ से जहाँ से मैंने खुद अपना आईफोन 11 लिया था, तो उसको भी आईफोन 11 ही खरीदना है। उसके पास वैसे ऑलरेडी एक वन प्लस का 70 है जो कि वीडियो बनाती थी पहले उससे, तो इसका अभी मन हो गया है कि आईफोन खरीदना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं धनबाद बैंक मोड, देखते हैं iTech, वहाँ पर जाएंगे एप्पल के स्टोर पर, पहले आईफोन खरीदेंगे, फिर सीनू को गाड़ी लेके घर आना है, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं। मतलब ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का है, देखते रहिए, आई होप आप लोग का अच्छा लगेगा। तो वीडियो को गाइस एंड तक देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज की इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, हम लोगों ने यहाँ पर कार को लगा दिया है पार्किंग में। यह है स्पेंसर स्मॉल बैंक मोड, इसमें मैंने पहले भी एक ब्लॉग है मेरा, तो इसके ऊपर में ही iTech वाला एप्पल वाला स्टोर। चलिए चलते हैं पहले ऊपर। ये राशि लिफ्ट लिफ्ट चला गया, कुछ नंबर नंबर लिफ्ट में उठ नहीं रहा, कैसे पता चलेगा कि आ रहा है। हाँ सीनू आ गया, चलिए लिफ्ट आ गया। सो गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने अपना मास्क कार पे ही रख दिया, ठीक है, भूल गया था। तो विदाउट मास्क तो ऐसे भी नहीं जाना है, नहीं गए अभी सीनू को भेजे हैं मास्क लाने के लिए। इधर ज्योति इधर उधर देख रही, बहुत दिनों बाद शायद बाहर निकली तो तो इधर देखिए मॉल खुला हुआ है लेकिन कोई नहीं, एकदम खाली ये मॉल। हाँ ऐसे भी खाली रहता है, देखिए इधर का सीन एकदम खाली खाली सा लग रहा है। और वो रहा iTech वाला स्टोर उधर, ये देखो नीचे में, हम लोग एक फ्लोर नीचे जाना होगा, तीनों को आने देते हैं फिर चलेंगे। ये PVR खुलने वाला है? हाँ यहीं पे तो PVR खुलने वाला था। सो गाइज, सीनू आ गया फाइनली हमारा मास्क लेके, और अभी हम लोग एक फ्लोर नीचे जाना है, नीचे में है एप्पल वाला स्टोर। चलिए चलते हैं पहले। आईफोन 12 भी वैसे लॉन्च होने वाला था अगले महीने, थोड़ा सा पछतावा होगा खरीदने के बाद, लेकिन कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चार कैमरा सुन रहे हैं इस बात देखिए, कैमरा सेटअप ज़्यादा रहेगा। हाँ तो आईफोन 12 गाइज अभी लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी इसको क्विकली लेना है, तो बाद में सोचेंगे। ये है गाइज iTech स्टोर, जो कि मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर बहुत बार, वो अंकल मुझे पहचान रहे हैं। ये रहा हमारा iTech स्टोर। सो गाइस, ये है नया वाला एसी, आईफोन एसी, एसी नाम शायद है, कैसी क्यों नाम शायद हम तो अभी तक कंफ्यूजन में कि ये नया वाला आईफोन है। एक नया एसी भी लॉन्च हुआ है आप फिलहाल में, हाँ यही है ये 13 दिया हुआ। सो गाइस, अभी हम लोग फ़ोन चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग का यहाँ पर मन बन गया कि आईफोन 11 से अच्छा है आईफोन SE नया वाला 2020। वो क्या है कि थोड़ा छोटा है
और गर्ल्स के हाथ में वो ज़्यादा सूट करेगा। तो उसके लिए अभी अंकल बोले हैं थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा देख रहा है कि क्या प्राइस पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पेपर वेपर बनेगा, देखते हैं जैसा हो आप लोग अपडेट मिलेगा, देखते रहिए। गाइज अभी हम लोग एप्पल स्टोर से निकल चुके हैं और रहा स्टोर उधर, तो आप लोगों में बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है ऑफलाइन अगर लेने आ रहे थे तो रेट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, ठीक है। कितना का डिफरेंस पड़ रहा था ऑनलाइन से ऑफलाइन में? ऑनलाइन में आईफोन 11 56,300 में आ जा रहा है कैशबैक ये सब ले करके HDFC का कार्ड से, और यहाँ पे पड़ रहा लगभग 7-8 हज़ार रुपया ज़्यादा, 7-8 हज़ार रुपये का डिफरेंस। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन ही परचेज़ कर लेंगे, चाहे वो ऑनलाइन आईफोन SE नया वाला हो या फिर आईफोन 11, वो घर जा कर के डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है, तो घर जा कर के ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ हुआ नहीं, तो खैर आईफोन तो आ ही जाएगा 1-2 दिन 3 दिन में। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं कहीं पर कुछ खाने के लिए, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर अभी जो है धनबाद में ज्योति का एक रिलेटिव का घर है, तो अभी वहीं पर हम लोग आए हुए हैं, थोड़ा ये बोले कि चलो मिल के चलते हैं। हम सिनु बैठे हुए हैं चैटिंग कर रहे। किसके साथ? लड़का है एक फैन। हम ये थोड़ी पूछे लड़का है कि लड़की है, हम बोले कौन है, दोस्त है कि कोई और, रैंडम पीपल, आप भी हो सकते हो। तो गाइस यहाँ ज्योति के रिलेटिव के घर आए थे, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी है ना, तो सोचा कि इधर कुआँ देखिए पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे मिला एकदम फ्रेश वाला पानी, और फेस वॉश भी रखा हुआ था, इसको एकदम दाँत के निकाले खा नहीं, ठीक है। निकाल के यहाँ पर मुँह धो रहे हैं, और जिसके घर आए देखिए इसका वंश नाम है, हम लोग वहाँ ही रहता है मैक्सिमम टाइम ज्योति के घर पे, यहाँ पर मुँह धोए ना बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत शुद्ध देसी स्टाइल, कोई टैप नहीं। So guys, अभी ज्योति के रिलेटिव के घर से हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है, और अभी हम लोग जा रहे हैं TVS के शोरूम पे। अब शीनू को वो गाड़ी लेना है और जाना है घर, ठीक है। उससे पहले पता नहीं कुछ खाना वाना है और एक्चुअली अभी क्या हो गया, हम लोग जाना था कहीं कुछ रेस्टोरेंट में खाना खाने, बट उनके रिलेटिव के घर में इतना ज़्यादा नाश्ता वास्ता खिला दिया कि पूरा पेट भर गया, ठीक है। अब मन ही नहीं कर रहा कि कहीं जाए, तो छोड़िए आज कैंसिल करते हैं, चलते हैं। अब गाड़ी दे देंगे शीनू को, शीनू चला जाएगा, हम लोग घर निकलते हैं। सो गाइस वो रहा मेरा गाड़ी वहाँ बन के रेडी है, ठीक है। तो शीनू को अभी सारा बिलिंग विलिंग मैंने यहाँ पे करवा दिया काउंटर पे, ये गाड़ी लेके चला जाएगा, हम और ज्योति निकल रहे हैं घर। बाय शीनू, आओ हेलमेट ले लें। तो हम लोग अभी घर चले जाएंगे, शीनू चला जाएगा बाइक ले। सो गाइस सारा काम कंप्लीट हो गया, ये रहा ज्योति, अब आगे बैठ गई क्योंकि AC का हवा यहाँ पर लगेगा। तो अभी शीनू बाइक लेके चला जाएगा और हम और ज्योति निकल रहे हैं अब घर। और गाइस मैं बताना चाहूँगा, आईफोन तो हुआ नहीं, तो हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर भी कर लिया है इसी टाइम, ठीक है। iPhone SE 2020 64 GB ऑफर में था फ्लिपकार्ट में 37,900 रुपया में, ये देख सकते हो। तो ये रहा फ़ोन, ऑफलाइन में हुआ नहीं, चाहो तो आप लोग भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। बाकी चलिए जब फ़ोन आ जाएगा तो ज्योति का वीडियो आ जाएगा उसके चैनल पर, एक ठीक है। तो आज की ये छोटा सा ब्लॉग था, शायद पता नहीं कितना बड़ा होगा, नहीं पता, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं जो काम करना था। तो चलिए उम्मीद करूँगा आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद है एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। सो गाइज अभी ये 2 दिन बाद ये ब्लॉग फिर से मैं शूट कर रहा हूँ, अभी मैं हूँ ज्योति के घर पे, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन जो है 2 दिन बाद ये देखते हुए रिसीव भी हो चुका है, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। इसमें अगर प्राइस की बात करें तो इसमें 42,500 का प्रिंट है, और ये रहा बॉक्स, बाकी फ़ोन हम लोगों ने निकाल लिया, वाइट कलर का मंगवाया था, ये देखिए iPhone SE 2020, बहुत अच्छा है, छोटा सा फ़ोन है, 6 जैसे था iPhone 6 सेम वैसा ही है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज में है, लेकिन इसका प्रोसेसर ये सब लेटेस्ट है एकदम, ठीक है। iOS 13 बायोनिक चिप दिया हुआ है, बाकी इसमें 64 GB का ये मंगवाया था हमने। तो ये रहा कलर, बाकी आप लोग कमेंट पर बता देना कैसा है फ़ोन। रवि ज्योति देखिए क्या सर्व कर रही है, लाई है ये चाउमीन, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर चाउमीन खाएंगे, कोको उधर खेल रहा है, ये बाद में एक ब्लॉग बनेगा उस पर। ये देखिए मिक्स खुद बना रही क्या तुम? तो चलिए अब हम लोग चाउमीन खाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं।